बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेसो में आपको खुशआमदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन, मैं हूँ इमरान हसन और ये है अरमला हसन। और आप सब देखने वालों को जुम्मा की मुबारकबाद। आज जुम्मतुल मुबारक का खूबसूरत सा दिन है और उसके साथ साथ वीकेंड भी है। दो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जुम्मे के दिन। एक ये जुम्मा है, ओबियसली बाबरकत दिन होता है, दिनों सब दिनों से अच्छा दिन है। और दूसरा के वीकेंड आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। खैर, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप आज भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आज भी आप एक्सप्रेसो ट्यूरिंग किए हुए हैं, हमें अगले दो घंटे के लिए बर्दाश्त करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम करते हैं। बर्दाश्त कर ले प्लीज। यस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने, आपने रात को लेट तक जाके पीएसएल का मैच तो नहीं देखा होगा? दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, पहला मैंने देखा था मैच। और कल पीएसएल का सबसे बड़ा स्कोर बन गया कल के मैच में। हमारी कोशिश होती है कि जरा पॉजिटिव नोट पे बात करें, तो पॉजिटिव नोट पे ये कि सबसे बड़ा स्कोर 248 बना, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उसको चेस करते हुए भी बहुत बड़ा स्कोर बन गया। ऑलमोस्ट 15 रन का डिफरेंस था। बहुत जबरदस्त पेशावर ज़ल्वी की बैटिंग सामने आई और कल जो शायकीन क्रिकेट थे वो बड़े ही महसूस कितने दिल में पत्थर रख के बात सुना। वैसे कल हमारे स्टूडियोज के अंदर किसी ने पेशावर ज़ल्वी के ऊपर बेट किया था कि वो जीतेगा, तो मुझे उनकी याद आ रही थी। याद है आपको, आपने किसी को मशवरा दिया? अच्छा, लेकिन अभी लाहौर कैंडल्स के साथ भी कुछ अच्छी नहीं हुई। मैंने लाहौर कैंडल्स के देखा और फिर मुझे कुछ हुआ, जैसे पिछले दो मैचों में तो बड़ी अच्छी हुई थी ना लाहौर कैंडल्स के साथ। हम पोल बताते जी, आज का पोल, इससे पहले कि हम आज का पोल बताए, अच्छा कल के पोल का हम रिजल्ट तो बताना भूल गए थे, लेकिन लोगों ने मीम्स भेजना शुरू कर दी। अच्छा प्लीज, अब मेरी बात सुनिए। देखिए, हम आपसे पोल जब पूछते हैं तो इसका मतलब है कि आपने पोल पूछते हैं। हाँ, आपने वीडियो कॉल्स नहीं करनी, वीडियो मैसेजेस नहीं करने, आपने व्हाट्सएप और प्रवेश खटक साहब पे मीम्स बिल्कुल नहीं भेजे। लेकिन दैट वाज फनी, लेकिन ऑन ए लाइटर साइड। अच्छा जी, अभी जो हमारा आज का पोल है, क्या मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है उसमें जो ऑपोजिशन गवर्नमेंट जो है वो बजट अप्रूव करवा पाएगी या नहीं? ऑपोजिशन जो इन्हें टफ टाइम दे रही है, क्या उसके बावजूद गवर्नमेंट इस बजट को कामयाब कराने में कामयाब हो सकेगी या नहीं, इस हवाले से हमारा आज आपको क्या लगता है, ऐसा हो पाएगा? वैसे नॉर्मली ऐसा हुआ नहीं है, पाकिस्तान की बजट तो अप्रूव मंजूर हो ही जाता है, लेकिन कल शहबाज शरीफ की बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर थी, हमने बड़ी खबर में डिस्कस करना, इस पर हम बात करेंगे। तो आप हमें बताएंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कि क्या गवर्नमेंट बजट करवा लेगी या नहीं। इसी नोट के ऊपर आगे बढ़ते हैं और अब हेडलाइंस। गालियां, हाथापाई, किताबें और बोतलें चलने के बाद हुकूमत और ऑपोजिशन में बिलाखिर मफाहमत हो गई। कौमी असेंबली पुरसकून, बजट पर बहस शुरू हो गई। बजट पास नहीं होने देंगे, डेयरी मसनूआत, दरामदी गैस और मशीनरी पर टैक्स खत्म किया जाए, ओपोजिशन ने कमर कस ली। पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता सियाहती मकामात को हमारे रवैये कैसे तबाह कर रहे हैं, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। सेगमेंट फ्लैग्स में सना हमायूं मुलाकात करवाएंगी ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर और उनकी अहलिया से, जिन्हें पाकिस्तानी सकाफत और कल्चर बेहद पसंद है। सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना खिलाएंगी लाहौर के मशहूर मुर्ग मुसल्लम और मटन जॉइंट। और पीएसएल 6 के सनसनीखेज मुकाबले, अबू धाबी के मैदान में कलंदर्स को मुसलसल तीसरी शिकस्त।